खबरों की नई पहचान। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए थे तथा 2 अन्य जवान घायल हो गए थे। मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में एक धनबाद का लाल, झरिया के गोलक डी का इशरार खान भी शामिल था, जो घायल हो गया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरकार से क्या मांगे? सरकार से क्या प्रॉब्लम? हम क्या कहें सर, मेरा दौलत चल गया सर, हम तो बहुत गरीब आदमी है सर, घर देख लीजिए सर, देश के लिए बेटा शहीद हो गया सर, देश के सेवा के लिए बेटा शहीद हो गया सर, कितना गरीब है सरकार, झोपड़ी में रह के बेटा बोला घर बनाएंगे, जमीन लेंगे, सब हो जाएगा, नहीं घबराइए, सब होगा, हम लोग सब पूरा देश के साथ है, तो जो भी आवश्यकता हो सरकार से करते हैं। छोटा बेटा के पढ़ने लिखने के नौकरी दीजिए सरकारी, और मेरा बेटा सेना में नहीं जाएगा, मेरा बेटा के पढ़ने लिखने के सब होगा, सब होगा। रूबी जी, कब पता चला कि आपके भाई शहीद हो गए हैं? कल हमको रात में 8 बजे पता चला है। क्या सूचना मिला, किन से सूचना मिली? मेरे पापा से हमको मिला कि मेरे भाई नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। कब आए थे वो यहाँ? वो दिसंबर में आए थे और जनवरी में गए हैं। उसे क्या कुछ उनका मतलब घर के प्रति, आपके प्रति क्या क्या सोच था कि हम ये ड्यूटी करेंगे तो अपने परिवार को इस तरह से? उनको उनको सबके प्रति था, उनको सबसे ज्यादा घर का ये था, देखता था सर, वही लड़का घर को घर का हालत ठीक करना इसीलिए हो गए थे, फौज में कि घर का गरीबी दूर करेंगे, घर देख लीजिए, हम लोग पैसा है गरीब के लिए, भाई मेरा ज्यादा ये करते थे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम क्या मांग करेंगे, सरकार जो मेरे भाई को लूट लिया हम उसका क्या मांग कर सकते हैं? कितना सरकार कुछ करती ही नहीं, सरकार कुछ करती ही नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार, क्या करे आतंकवादियों के लिए, नक्सलियों के लिए? सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को? सरकार को इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, हर आए दिन किसी न किसी का माँ का बेटा छीन जाता है, इसके लिए सरकार कुछ करती ही नहीं, सिर्फ सरकार बैठ के देखती रहती है। कौन सी जगह है? कुछ घटना घटी है, शहीद हुए आपके बेटे, क्या कहेंगे आप? क्या सरकार की घोर लापरवाही है, बीएसएफ के जवान को छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया में भेजा जा रहा है, आए दिन ऐसी घटना घटती है, लेकिन सरकार का जो एक्शन है क्या लगता है आपको, क्या ले कर रहे हैं वो? सरकार का एक्शन सही नहीं है, लापरवाही है। सूचना कैसे मिली आपको कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं? हमारे दोस्त के बेटे ने फ़ोन किया, ऑफिशियली अभी तक हमको कोई न्यूज नहीं। कौन कौन लोग अभी तक आपके घर पे आ रहे हैं, कौन कौन जनप्रतिनिधि, नेता, प्रशासन? कोई नहीं आए हैं, सिर्फ तीसरा थाना के कोई उड़ान साहब बोल करके आए थे, अभी तक और कोई नहीं आया। क्या लग रहा आपको, कितना गर्व अपने आप को महसूस कर रहे हैं? फर्क तो महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने बेटे को बीएसएफ में भेजा था बॉर्डर पे लड़ने के लिए, ये नक्सली हमले में शहीद हो गए, इस बात की थोड़ी दुख भी है। काफ़ी स्थिति नाजुक है घर की भी, जी परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा, कुछ आस होगा आपके बेटे को, क्या क्या बात होता होगा आपके आपके फ़ोन से बेटे के जब वो ज्वाइन किए होंगे बीएसएफ में? जमीन खरीदने की बात करता था, अरे बेचारा बहुत घर बनाने की बात। सरकार से क्या मांगे आपकी? कम से कम हमारे यहाँ के श्री मोहम्मद इशरार देश के लिए शहीद हो गए, उनके शोक संतप्त परिवार से मिलने हम लोग आए थे, जिला प्रशासन उनके साथ है, पूरा राज्य पूरा देश उनके साथ है, इस संबंध में हम लोगों ने उनके परिवार से, उनके माताजी से, उनके पिताजी से, उनके जो भाई हैं उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, और जो उनके लिए जो भी हम कर पाएंगे वो, और जो सरकार जो करती रही है वो बिल्कुल हम लोग करेंगे। और कल जैसे आपको जानकारी होगी कि रांची एयरपोर्ट पर आज उनका पार्थिव शरीर आएगा, उसके बाद वहाँ से हजारीबाग के लिए प्रस्थान करेंगे, उसका बीएसएफ वाले वहाँ पे उनका सम्मान करने के बाद 4 बजे सुबह
वहाँ से प्रस्थान करने के बाद 7 बजे उम्मीद है कि धनबाद जिला में उनका आगमन होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो गार्ड ऑफ ऑनर होगा और अन्य जो सम्मान होगा हम लोग उसके लिए। परिजन नौकरी की मांग कर रहे हैं। सरकार की जो प्रक्रिया है लगातार वो जो शहीद परिवारों के लिए जो नियम है उसी के तहत उनको भी जो भी होगा वो बिल्कुल दिया जाएगा। क्योंकि अभी घटना तुरंत की है इसलिए हम लोग इसको प्रस्ताव बना के सरकार को भेजेंगे। उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी नियमतः जो शहीदों को दिया जाता रहा है चाहे झारखंड हो चाहे भारत सरकार के द्वारा वो उनको दिया जाएगा। सर हजारीबाग से पुलिस लाइन आएगा या हजारीबाग से हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे उनका सम्मान करेंगे उसके बाद यहाँ पे बाय रोड आएगा। सर ये प्रस्ताव को हम लोग DC साहब के पास रखेंगे उसके बाद जो भी उसके प्रस्ताव पर विचार करके वो यथोचित निर्णय लेंगे। इस बार जब आप EVM में अपने पसंद के प्रत्याशी का बटन दबाएं तो ध्यान रखें EVM पर प्रत्याशी के नाम के सामने वाली लाल बत्ती जलेगी, बीप सुनाई देगी और ठीक उसी समय EVM के बगल में रखे हुए VVPAT के प्रिंटर में एक पर्ची छपेगी। छपने के बाद लगभग 7 सेकंड तक यह पर्ची पारदर्शी खिड़की में लटकी रहेगी। आप उसे देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि पर्ची पर आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी की क्रम संख्या, प्रत्याशी का नाम एवं उसका चुनाव चिन्ह दर्ज है। यह इसका सबूत है कि आपका मत आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। VVPAT चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता में आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मास्किंग यार्ड सिलरी। टेक्निकल के दौर में थ्योरी से कैसे चलेगा काम, इसलिए हम दे रहे हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की बेहतर व्यवस्था। ट्रेड अवेलेबल फीटर इलेक्ट्रीशियन। संपर्क करें माँ कल्याणी ITI कॉलेज गौशाला रोड मास्किंग यार्ड सिलरी। उज्जवल भविष्य के लिए चुने KDM स्कूल पाठाडी धनबाद। क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रों के लिए फैसिलिटी। स्कूल में प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, डांस क्लास, एक्सपीरियंस टीचर। एडमिशन ओपन। KDM स्कूल पाठाडी सुदामडी सिंदरी रोड धनबाद। आवर फोन नंबर ऑन योर TV स्क्रीन। खबरों की नई पहचान।